चौधरी किड्स स्टोरीज। नदी किनारे छोटा सा गांव बसा हुआ था। नदी गांव के लोगों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत थी, लेकिन जब बरसात की मौसम आया और गांव के कई दिनों तक घनघोर बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर गया, मकान पानी में डूब गए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भागना पड़ा। बाढ़ के पानी में लोगों के घरों की कई चीजें बहने लगी। उसमें दो घड़े भी थे, एक पीतल का घड़ा और एक मिट्टी का। दोनों ही घड़े ने जब मिट्टी को कमजोर घड़े को संघर्ष करते देखा तो सोचने लगा, मिट्टी का ये कमजोर घड़ा आखिर कब तक खुद को डूबने से बचा पाएगा, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, उसने मिट्टी के घड़े से कहा। मित्र सुनो, तुम मिट्टी के बने हुए हो और तुम बहुत कमजोर हो। बाढ़ के इस पानी में तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को देखा और उत्तर दिया, मैं तो तुम्हारी सहायता के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे तुम्हारे आसपास रहना मेरी सलामती के लिए उचित नहीं है। तुम ठहरी पीतल के बने घड़े और मैं मिट्टी का घड़ा। तुम बहुत कठोर और मजबूत हो, अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा, इसलिए तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। मैं स्वयं ही खुद को बचाने का प्रयास करता हूँ और भगवान ने चाहा तो किसी तरह किनारे तक पहुँच भी जाऊँगा। इतना कहने के बाद मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने का प्रयत्न करने लगा और धीरे धीरे पानी का बहाव के साथ नदी किनारे पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर पीतल का भारी घड़ा भी प्रयत्न करता रहा, लेकिन नदी के पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाया, उसमें पानी भर गया और वह डूब गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, विपरीत गुणों की अपेक्षा एक समान गुण वाले अच्छी मित्रता कायम कर पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।